अच्छा, तो वो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था किस तरीके से जो है वो तारास का अकाउंट आप बनाते हैं। उसके बाद एक चीज़ रह गई थी कि आपने जो है वो प्रोडक्ट अपलोड करना होता है, ठीक है। अपलोड करने के बाद फिर आपने फ्लैट्स ऑर्डर करने होते हैं, ठीक है। तब वो हम इस वीडियो में देखते हैं। तो अब अपना दराज का जो शेयर अकाउंट आपने बनाया उसको लॉगिन कर लेंगे, ठीक है। लॉगिन करने के बाद यहाँ लिखा आ रहा है ऐड प्रोडक्ट्स, ठीक है। आखिर ये तीन स्टेप जो है वो हम आखिरी वीडियो में कर चुके हैं। अब हमने जो है वो प्रोडक्ट ऐड करना है, ठीक है। तो ऐड न्यू प्रोडक्ट पर हम क्लिक करेंगे यहाँ पर, ठीक है। इसको बोलते हैं लिस्टिंग, दराज पर आप किस तरीके से लिस्टिंग करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये आपने जो है वो ओपन कर लिया, क्लिक कर दिया। अब ये सबसे पहले जो बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ लिखी हुई आ रही है, यहाँ लिखा है प्रोडक्ट इमेज एंड वीडियो। तो 1 2 3 4 5 6 7 ये 8 इमेजेस दिए गए हैं। आप 8 इमेजेस जो है वो अपलोड कर सकते हैं। और यहाँ पे लिखा है कवर फोटो, यानी कि जो फ्रंट पे जो आएगी, मैं आपको दिखाता हूँ दराज.pk, जो फ्रंट पे कवर इमेज जो आएगी, यानी कि जब कस्टमर ऑर्डर करने जा रहा होता है फ्रंट पे जो इमेज आती है वो यहाँ आएगी, ठीक है। तो ये हम देख लेते हैं क्या है, किस चीज़ की बात कर रहा हूँ, जब तक खुल जाए, ठीक है। ये समझ के लिए ये वॉच आ रही है, इस पर क्लिक कर लेता हूँ मैं। अच्छा, मैंने इस पर क्लिक करूँगा मैं, हम इस पर क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक ये ऑप्शन खुल जाएगा। आप चाहें तो ड्रैग एंड ड्रॉप कर लें, आप चाहें तो इस पर क्लिक करेंगे तो फाइल की लोकेशन खुल जाएगी। वो आसान है, मैं आप लोग को ड्रैग एंड ड्रॉप करके दिखा देता हूँ मैं। अब ये इमेजेस मैंने डाउनलोड करके रखी हुई है, मैं कंट्रोल ए करूँगा, सेलेक्ट कर ली मैंने और यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूँगा, ठीक है। ये लोड हो जाएंगी, अगर इसमें कोई साइज वगैरह का इशू होगा तो दराज ऑटोमेटिक इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, रिजेक्ट कर देगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए साथ ही साथ इमेजेस हैं ये अपलोड हो रही हैं, ठीक है। मैक्सिमम 8 इमेज अपलोड कर सकते हैं, मिनिमम आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। अब यहाँ पर जो आप इमेजेस देख रहे हैं, यहाँ फ्रंट पर जो इमेज आ रही है ये होती है कवर फोटो, ठीक है। ये खुल जाए, ज़रा मैं आपको दिखा देता हूँ और सही से, ये फ्रंट पर ये कवर इमेज, ठीक है। तो अब कवर इमेज जो है दराज बोलते हैं कि आप पहले नहीं था ये, लेकिन अब है कि अब हर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर जो है ना जो कवर इमेज होता है उसका बैकग्राउंड वाइट होता है, ठीक है। अभी आप अगर ब्लैक अपलोड कर देंगे ना तो ये पेंडिंग में जाएगा, उसके बाद जब अप्रूवल में ये इशू करता है सेंटर एक्सेप्ट हो जाता है, लेकिन जितनी भी न्यू लिस्टिंग है उसमें ये बोलता है कि आप इसकी बैकग्राउंड इमेज जो है वाइट करें, तो आपने वाइट करनी होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास वाइट है, ये वाइट है, ये वाइट है, तो हम इसको हम ड्रैग देखें यहाँ आ रही है, इसको अगर मुझे ये हैंड ग्रिप वाली इमेज को मैंने फ्रंट पर रखनी है तो मैं यहाँ कर दूँगा, ये ऑटोमेटिक फ्रंट पर आ गई कवर इमेज, ठीक है। अब यहाँ पर भी दराज के टूल्स होते हैं, मैं आपको दिखाऊँ करते हैं, अभी देखते हैं आपको दिखाएगा ये ऑप्शन, ठीक है। ये क्लिक किया, अब देखें आप यहाँ पे आपको कह रहे हैं आप क्रॉप कर सकते हैं, विड्थ और हाइट चेंज कर सकते हैं, रिमूव बैकग्राउंड कर सकते हैं, ये देखें आप देख रहे हैं। अगर आपका बैकग्राउंड ऐसा है तो आपको किसी एप्लीकेशन में जाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इस फिल्टर पे अप्लाई करेंगे आपका ऑटोमेटिक बैकग्राउंड कर देगा ये, ठीक है। तो ये काफ़ी आसानी करती है, पहले नहीं था, ठीक है। इन्हेंस इमेज है, आप इमेज को इन्हेंस करना चाहें क्लिक करते थोड़ा बहुत जो है वो इन्हेंस कर देगा ये, ठीक है, ठीक है। रोटेट करना चाहें तो रोटेट कर दिया उसने, ठीक है। तो ये ऑप्शन दिए गए हैं, इसको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, मिरर करना चाहें सेट कर दें, सेट कर दें, ठीक है। तो ये आपको दराज ने ऑप्शन दिए हैं, काफ़ी अच्छा, पहले नहीं था ये। ये आपकी इमेजेस अपलोड हो गई हैं, ठीक है। अब आप चाहें तो यहाँ पे प्रोडक्ट वीडियो URL भी अपलोड कर सकते हैं, जैसे कि इस प्रोडक्ट अगर हमें देखा जाए तो इसने वीडियो अपलोड की हुई है, इसने वीडियो अपलोड नहीं की, ठीक है। वीडियो अपलोड होती है तो यहाँ पर शो करता है। यूट्यूब का लिंक अपलोड करना होता है यहाँ पर, ठीक है। अगर आपका अपना चैनल बना हुआ है, उसका आप इस टाइप की वीडियो अपलोड करते हैं तो उसका लिंक उठा के आप यहाँ पर भी पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। एक ऑप्शन ये है, ठीक है। और अगर आपके पास वीडियो नहीं है आपकी अपनी, तो आप दूसरे की भी वीडियो उठा के आप यहाँ पर डाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन कोशिश करें कि इसकी वीडियो पूछ के उठा लें तो ज़्यादा बेहतर, ऐसे कॉपीराइट का कोई इशू नहीं होता। मूवन लोग चाइना के आइटम होता है वो चाइनीज़ ही सारे कॉपी पेस्ट कर रहे होते हैं, तो वो लिंक उठा के सिंपल से यूट्यूब की आप वीडियो पर जाएंगे, वहाँ से लिंक कॉपी करेंगे और यहाँ आके इस जगह पेस्ट कर देंगे, तो आपके पास वीडियो भी अपलोड हो जाएगी, ठीक है। ये इमेज के फॉर्म में, ये वीडियो के फॉर्म में, बिल्कुल बेसिक है, आप लोग खुद भी कर सकते हैं, ठीक है। अब प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन, प्रोडक्ट का नेम क्या है, ठीक है। अब आपको पता होगा ये प्रोडक्ट क्या है, तो आप उसके लिहाज से जो है वो टाइटल डाल सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर मैं देखता हूँ, मेरे पास है ये हैंड ग्रिप। अब कीवर्ड्स तो आपने खुद सर्च करने होते हैं, लेकिन मैं आप टाइम बचाने के लिए आपको दिखा रहा हूँ कि मैं फिलहाल यहाँ पर जो है वो कॉपी कर लूँगा, ठीक है। आप चाहे तो आप भी कॉपी कर सकते हैं, दराज में ऐसा कोई इशू नहीं कॉपी पेस्ट का, लेकिन दिमाग को हाजिर रख के आके खोल के कॉपी कीजिएगा, तो सम टाइम उनका अपना ब्रांड नेम भी हो जाएगा, लेकिन डीमॉल सेलर है। अब इसका पूरा कॉपी करेंगे ना तो ये थोड़ा इशू कर सकता है, तो आपने अवॉइड करना है कि अच्छा स्टोर का नाम यहाँ लिखा होता है, देखें क्या लिखा है, हिस्ट्रो। कुछ इतने अकलमंद होते हैं कि पूरा कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। अभी देखें ये इसका उसने ब्रांड लिखा हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। तो ये लोग करते हैं इसलिए ताकि लोग जो कॉपी पेस्ट कर रहे हैं ना वो साफ समझ में आ जाए उसने कॉपी पेस्ट किया है, और वो क्लेम कर देंगे, ठीक है। तो ये मैं कॉपी करता हूँ, मैं दिखाता हूँ आपने किस तरीके से क्या करना है, मैं फिर समझाने के लिए आपको दिखा दिया। ये मैंने इसका ब्रांड हटा दिया, अगर स्टैंडल इसको मैंने हटा दिया, इसको थोड़ा शॉर्ट कर लिया, ठीक है।
दिखावर 255 करेक्टर लिमिट होती है, 255 आपकी करेक्टर लिमिट होती है, इससे ज़्यादा करेक्टर नहीं होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 255 करेक्टर ही आपने डालने हैं, आप कम से कम रखें 200-180 बेस्ट रहता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। और आप ब्रांड नेम इस तरीके से, इसने अपना स्टोर नेम जो स्टार्टिंग में रखा था, आप भी अपना स्टोर नेम स्टार्टिंग में रख सकते हैं, ठीक है, ताकि लोगों के ध्यान में ब्रांड नेम बैठ जाए। अभी आपके ऊपर लोग कुछ लोग लास्ट में लिखते, अमूमन लोग जैसे कि डी मॉल से जा रही प्रॉपर ब्रांड जैसे क्या कि अपना ब्रांड नेम शुरू में लिखा है, तो आप भी शुरू में लिख सकते हैं, ठीक है। कैटेगरी क्या है, सिंपल सा आप यहाँ जाएँ, इसमें देखें, लिस्टिंग चेक कर लें अपनी कंप्यूटर की, यहाँ पर देखेंगे स्पोर्ट्स एंड आउटडोर एक्सरसाइज फिटनेस, ये तो ये कैटेगरीज आती सेलेक्ट कर सकते हैं अगर आपको मसला हो रहा है तो हम इसी को फॉलो करेंगे। और अमूमन जब आप अपलोड करते हैं दरास रिकमेंडेड भी शो करते हैं कि ये आ रही है, तो आप देखें कौन सी आई हेड एंड स्टेट, तो पहली वाली ही शो कर रहा है, पहली है दूसरी वाली ही होती है, तो इतना ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, कैटेगरी भी आपको आराम से मिल जाती है, ठीक है। अच्छा, ये ब्रांड है नो ब्रांड, अगर तो आप ब्रांड रजिस्टर्ड हैं तो आप ब्रांड पर क्लिक करेंगे, वरना आप अमूमन नो ब्रांड ही सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। मोर एट्रीब्यूट्स में जाएंगे, आपको ज़रूरत नहीं है क्या है, उसको यहीं पर रखें, आप एक्सप्लोर कर लें। अच्छा, प्रोटेक्ट हाईलाइट्स में आती हैं इसके, ये ठीक है, हाईलाइट्स पॉइंट, ठीक है। अब यहाँ पे दराज ने अपने AI फीचर्स को इंट्रोड्यूस किया, पहले नहीं था ये, कि टाइटल के अकॉर्डिंग जो है वो आपकी जो है डिस्क्रिप्शन भी जो है वो आपकी जनरेट कर देगा। कैसे, अब देखें यहाँ लिखा हुआ दे रहा है, यहाँ आपको सेलेक्शन में दे रहा है, आपने क्या करना है, यहाँ पर लिखा हुआ जनरेट कर देंगे, तो ये आपको उस कीवर्ड्स के लिहाज से जो है आपकी डिस्क्रिप्शन भी जो है जनरेट कर देगा। अब मैं देखें क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पे, देखें कॉन्टेंट जनरेट फील्ड प्लीज टू टाइटल, अभी जनरेट नहीं कर रहा है, एरर दे रहा है, पता नहीं क्यों, खैर तो हम आएंगे, हम इसी की कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए ये इसने दी डिस्क्रिप्शन, कितनी बड़ी इसने डिस्क्रिप्शन दी हुई है, इसने अपना ब्रांड नेम यूज़ किया हुआ है, याद रखिएगा आप, तो यहाँ पे आऊँगा मैं कॉपी पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। सिर्फ समझाने के लिए आपको बताया, ठीक है, तो हम जो है वो ऐसी समझाने के लिए आपने डिस्क्रिप्शन लिख दी, ठीक है। आप इस पर करेंगे जनरेट पर तो जनरेट भी करते हैं, यहाँ पर लिखा है, आप कॉपी करेंगे या पेस्ट कर देंगे, अभी ये इशू कर रहा है, ठीक है। उर्दू में भी आप चैनल अपलोड कर सकते हैं, ठीक है, तो ये है उर्दू में, इसी तरीके टाइटल भी जो है वो उर्दू में होते हैं, देखें लिखा हुआ आ रहा है, ये ऑटोमेटिक ट्रांसलेट कर लेते हैं उसको उर्दू में, ठीक है। आप चाहे तो उर्दू में भी उसको अपलोड कर सकते हैं और इंग्लिश में ऑटोमेटिक कर लेगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपने, ठीक है, अच्छा यहाँ पर प्रोडक्ट की हाईलाइट्स होती हैं, ठीक है भाई, आपको डिस्क्रिप्शन बोलें हाईलाइट्स बोलना आपकी मर्जी है, और यहाँ पर भी एक ऑप्शन देता है डिस्क्रिप्शन का, लेकिन इसमें जो है आप चाहें तो वही कॉपी पेस्ट कर सकते हैं जो ऊपर की है, लेकिन यहाँ पे इमेजेस का ऑप्शन देता है, यहाँ पे इमेजेस का ऑप्शन नहीं होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं A+ कॉन्टेंट, जैसे कि मैं आपको दिखाऊँ इसने डाला हुआ, देखिए ये देखें ना, ये इसको बोलते हैं A+ कॉन्टेंट, तो ये इमेजेस का ऑप्शन वहाँ पर आता है, देखें ये इसने लिस्टिंग ऊपर डाली हुई और A+ कॉन्टेंट नीचे डाला हुआ, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर कुछ नहीं डालेंगे, यहाँ पर सिर्फ इमेजेस डालेंगे, देखें एक बार लिस्टिंग करनी है, तो मैं ये चार्ट ट्रैक कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। इसको आगे पीछे करना चाहे तो आगे पीछे कर लें आप, इसी के मैं इसको यहाँ रखना चाह रहा हूँ, फ्रंट जो करेगा मुझे, ठीक है, अपलोड कर दूँ। अभी ये बोलते हैं A+ कॉन्टेंट, कस्टमर आएगा देखेगा लिस्टिंग कितनी है, इसका ये फ़ायदा है ये, तो इमेज देख के ही वो समझ में आ जाएगा इसका साइज़ क्या है, ठीक है, ये क्या है ये क्या है, ये होता है A+ कॉन्टेंट, ठीक है। तो कलर फैमिली के अगर तो वेरिएशंस हैं जो हम इसमें बाद में देखेंगे, अभी इसमें वेरिएशंस नहीं है, अगर मैं ब्लैक कलर देने चाह रहा हूँ तो मैं लिख दूंगा ब्लैक, फिर अगर इसमें और कलर है ब्राउन, तो जितनी भी इसको बोलते हैं वेरिएशन, तो वेरिएशन ऐड कर सकते हैं, ठीक है। हम फिर कभी लिखेंगे, अभी जो सिंपल ये हमारे पास ये आता है, अगर आपको मसला है तो मैं लिखता रैंडम, ठीक है। अगली देखिए यहाँ पर ऑटोमेटिक लिखा गया रैंडम, अगर हम यहाँ लिखते हैं ब्लैक तो आपकी ऑटोमेटिक लिस्टिंग हो जाती ब्लैक की, फिर आप प्राइस डालते ब्लैक के प्राइस ही, तो हम यहाँ कर रहे हैं रैंडम, और रैंडम हमारा क्या है कि कोई सा भी कलर आपको मिल सकता है, कोई स्पेसिफिक नहीं है, ठीक है। अब ये प्राइस है या स्पेशल प्राइस है, अब ये क्या होता है, इसने यहाँ लिखा होगा, मैं दिखा देता हूँ आपको, देखिए ये लिखा है 299 और कटे में 1600 को काट के यहाँ लिख दिया 299, तो ये ऑप्शन यहाँ पे आता है, तो आप फर्ज करें ये प्राइस हो गया 1500, ठीक है, 1500 क्या है वो ये 1600 ये हो गया, ये जो क्रॉस बना हुआ आ रहा है आपको ये क्रॉस बना हुआ आएगा, ठीक है। स्पेशल प्राइस क्या है, यानी कि 1500 रुपये का डिस्काउंट तो कितने का हो जाएगा ये आपके पास, ये हो जाएगा 650 रुपये का, ठीक है। ये अब ये जो ऑप्शन है कब तक के, अमूमन लोग एक साल तक कर देते हैं, जैसे 2024 में चल रहा है तो मैं यहाँ क्लिक कर दूँगा 2025 में आ गया, ठीक है, ओके कर दिया मैंने, ठीक है, कंफर्म कर दिया मैंने। कंफर्म करने के बाद क्वांटिटी कितनी है, 10, 50, 60, अमूमन दराज पर ही होता है कि अगर क्वांटिटी ज़्यादा रखेंगे ना तो आपको ज़्यादा ऑप्शन देगा कि जो है बूस्ट मिले, तो अमूमन मैं कहूँगा आप कम से कम 100 तो रखें, क्योंकि दराज बोलते हैं 10 आइटम है, इसको मैं क्या बूस्ट करूँ, ठीक है। अब सेलर रेस्क्यू क्या होता है, ये आपके लिए होता है, फर्स्ट कह रहे हैं अगर आपके पास 100 से 200 प्रोडक्ट हैं और आप चाह रहे हैं कि ऑर्डर फॉर्म आपको याद रहे, तो आप क्या करेंगे, आप फर्स्ट कैस का नाम है, प्रोडक्ट का कोड लिखते हैं अवेलेबल टू, यानी आपके पास कोड मालूम होगा, ये दूसरा आइटम है, लिखते हैं हैंड ग्रिप, ठीक है, आपको ये याद रहेगा आपके लिए, ठीक है। यहाँ पर एरर शो कर रहा है लेकिन ग्रिप लिखा हुआ है, ठीक है, आप लिख देंगे।
अब वारंटी क्या है, आप कोई भी आइटम हो उसकी आपने नो वारंटी करनी है, मतलब फिर वो आपके लिए मसला हो जाएगा, नो वारंटी कर दिया आपने, ठीक है। अच्छा पैकेज वेट क्या है, आप इसका वेट कर लेंगे 0.5 के जो अमूमन आइटम होता है, ठीक है। अब इसकी लेंथ क्या है, वेट क्या है, हाइट क्या है, वो आपने नाप लेनी है। मैं अमूमन अभी 3.63 कर रहा हूँ ऐसे अंदाजन, ठीक है। मोर एटीट्यूड्स में आप आएंगे तो इसमें कोई टिक करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन होता है, अमूमन मैं तो करता ही नहीं, उस पर सिंपल सा ही हो गया। इसके बाद आपने क्या कर लेना है, अच्छा यहाँ पर ये शो कर रहा होता है प्रूफ कॉन्टेंट स्कोर ऑल फिल एट्रीब्यूट्स आर वैलिड क्वालिफाई, यहाँ पर आपको दे रहा होता है कोई मसला वगैरह, तो मैं सब क्लिक कर दूँगा, अगर कोई इशू होगा देखें पब्लिश सक्सेसफुली लिखा हुआ आ गया, ठीक है। तो ये मेरी लिस्टिंग अपलोड हो चुकी है, ठीक है। अब अगर मैं चाहूँ तो एक और प्रोडक्ट अपलोड कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब क्या करना होता है, सिंपल प्रोडक्ट अपलोड करने के बाद जो है दराज देखता है, उसके बाद लाइव कर देगा, 3 दिन का टाइम लेगा, उसके बाद क्यूसी में जाएगा, क्यूसी के बाद ये आपको अप्रूव कर देगा। अच्छा उसके बाद आपने जो है वो फ्लायर ऑर्डर करना होता है, यहाँ पर यहीं पर ऑप्शन आता है, ठीक है। अभी मेरे पास ये अकाउंट है नहीं, डमी अकाउंट को कह लें, तो इसलिए करने के बाद आपसे बोलता है कि आपका दराज एड्रेस वेरीफाई करता है, तो एड्रेस वेरीफाई करने के लिए दराज बोलता है कि आप हमारे फ्लायर ऑर्डर करें, तो यहीं पर ऑप्शन आता है, आप क्लिक करेंगे तो फ्लायर किस तरीके से ऑर्डर होता है, फ्लायर इस तरीके से ऑर्डर होता है कि अच्छा। तो फिर क्या करना होता है आपने कि आप दराज पे आएंगे, ठीक है, सिंपल से अज्यूम कर लें, फ्लायर सर्च कर लेते हैं, ठीक है। ये सारा काम आपका यहीं पे होगा, क्लिक करने के बाद जो है यहाँ फ्लायर्स आएंगे, आपने जिस ईमेल आईडी से उसी ईमेल आईडी से आपने फ्लायर ऑर्डर कर लेना है, सिंपल। आपका होता है सेलर अकाउंट बायर अकाउंट, ठीक है। सेलर अकाउंट से आप चीज़ सेल करते हैं, हम बायर अकाउंट से आप परचेज करते हैं, तो उसी ईमेल से आपने बायर अकाउंट बना लेना, वो किस तरीके से होगा, सिंपल। आप दराज पे आए, आपने फ्लायर किया ऑर्डर, यहाँ पर लिखा रहा है लॉगिन साइनअप, ठीक है। आप सिंपल यहाँ अगर ऐड टू कार्ट करेंगे, बाय नाउ करेंगे, तो आपको सिंपल बोलेगा कि आप उसको लॉगिन करें, आप जीमेल से लॉगिन कर लेंगे, आपका अकाउंट बन जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ करना चाहता हूँ, बाय नाउ क्लिक करना चाहता हूँ, ठीक है। अब ये बोल देगा ओपन विद गूगल, ठीक है। आप सिंपल से आएँ, यहाँ पर गूगल पर क्लिक करें, और ये आपका ऑटोमेटिक अकाउंट क्रिएट कर देगा गूगल से, जिस ईमेल से आपने बनाया हुआ, जैसे कि मेरे पास ये आ रहा है, मैंने इस पर क्लिक किया, ठीक है। लेकिन ये ईमेल वही होनी चाहिए जिस ईमेल से आपने जो है अपना सेलर अकाउंट बनाया, बस सिंपल से ये फॉर्मूला है, इसको आप क्लिक करें, यहाँ पर फिर आप ऑर्डर कर दें, सिंपल से। फिर ऑर्डर करने के बाद जो है वो आपका फिर 100% जो है वो अकाउंट क्रिएट हो गया। फिर दराज जो है 3 दिन का टाइम लेगा, आपके एड्रेस पे जो फ्लाइट भेज देगा, एड्रेस भी वेरीफाई हो जाएगा, प्रोडक्ट भी देख लेगा सही है, जब अपलोड करने के बाद जो है वो आपको 3 दिन में अकाउंट दे देगा। फिर कोई ना कोई मसला होगा, दराज बोल देगा भी आपका अकाउंट में ये इशू है, इसको सॉल्व कर लें, तो सिंपल इस तरीके से जो है वो आपका हो जाएगा, ठीक है। तो ये थी ओवरऑल कि आप किसी भी दराज पर जो है अपना प्रॉपर अकाउंट बना सकते हैं, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।